हिमाचल प्रदेश कांग्रेस नेता अभिषेक राणा ने बजट 2021 के बारे में सत्तारूढ़ पार्टी व केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए बोला कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बिल पेश किया है वह मात्र एक औपचारिक भाषण के रूप में प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि उसमें ना तो गरीब के फायदे की कोई बात थी और ना ही छोटे व्यापारियों और लघु उद्योगों के लिए फायदेमंद था। देश में कोरोना काल के समय पहले ही बेरोजगारी ने युवाओं की कमर तोड़ कर रख दी है, उसके साथ साथ बजट की और उम्मीद की नजरों से देखते हुए वे लोग जो नौकरी पेशा करते हैं उन्हें भी टैक्स में कोई छूट नहीं मिली। यदि हिमाचल के बारे में बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश की जनता को इस बजट से बहुत सी उम्मीदें थी। काफी वर्षों से हिमाचल के इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि सड़क निर्माण एवं राष्ट्रीय मार्ग से रेलवे लाइन का कार्य लगभग अधर में ही लटका पड़ा है तथा केंद्र ने बीते वर्षों में दी गई ग्रांट को भी वापस ले लिया था, इसलिए इस बजट से बहुत सी उम्मीदें थीं, लेकिन हिमाचल की झोली में कुछ खास नहीं आया। 2021 का जो बजट आज संसद के अंदर भाजपा सरकार की ओर से पेश किया गया वो पूरी तरीके से निराशा से भरा रहा। आज सिद्ध हो गया कि भाजपा सरकार ने जो नारा प्रदेश के अंदर दिया था डबल इंजन की सरकार, और जो बड़े बड़े चेहरे प्रदेश से केंद्र में बैठे हैं जो ये लगातार जनता को विश्वास दिला रहे थे कि कहीं ना कहीं उनके बैठने से जनता के आशीर्वाद से सहयोग से जो डबल इंजन की सरकार बनेगी वो प्रदेश के लिए फायदेमंद रहेगी, लेकिन आज इस बजट में कोई भी ऐसी चीज हिमाचल को नहीं प्राप्त हो पाई जिससे हिमाचल वासियों को फायदा पहुंच सके। कोरोना काल के बाद ये पहला बजट था, लोगों को पिछले वर्ष बहुत सारा नुकसान प्राप्त हुआ, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमराए रही, लेकिन आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो बड़े बड़े वादे रेलवे लाइन नेशनल हाईवेज महंगाई बेरोजगारी को लेकर किए गए थे और राहत की बातें और राहत का जो सपना दिखाया गया था हिमाचल की जनता को आज धरातल पर वो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो 2021 का बजट आज संसद के अंदर पेश किया गया हिमाचल के साथ साथ पूरे देश को निराशा हाथ लगी है, और आने वाले समय में जनता जो है विधानसभा के चुनाव में डबल इंजन की सरकार को मुंह तोड़ जवाब देगी।